खबरों में आगे बढ़ते हुए बड़ी खबर देहरादून से आपको दें। तिरुपति बालाजी मंदिर की तर्ज पर केदारनाथ में होगी व्यवस्था। बद्री केदार मंदिर समिति करेगी एमओयू साइन और आंध्र प्रदेश के तिरुपति बालाजी मंदिर के साथ ये एमओयू साइन होने वाला है। आपको बताएं कि पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज का बयान इसको लेकर सामने आया है, सुनिए। हरिद्वार यात्रा पर आए थे, मुझे एयरपोर्ट में मिले थे, मैंने उनसे बातचीत की और वो बड़े इंटरेस्टेड हो गए कि हम लोग केदारनाथ के साथ एमओयू साइन करना चाहते हैं, जिसमें काफ़ी चीज़ों का हमारा आपस में जो है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन होगा। अब वो आ रहे हैं और यहाँ आने के बाद हम लोग चाहेंगे कि एक तिरुपति बालाजी का ट्रस्ट बहुत बड़ा ट्रस्ट है, बहुत धनाढ्य ट्रस्ट है, तो उसकी जो चैरिटेबल एक्टिविटीज़ हैं वो हमारे केदारनाथ में हों और हमारे केदारनाथ के यात्रियों को भी वहाँ दर्शनों का लाभ मिले। इस प्रकार की कोई अंडरस्टैंडिंग के साथ हम लोग जो है एक साइन करेंगे एमओयू। और परिवहन मंत्री चंदन राम दास अल्मोड़ा दौरे पर पहुंचे और इस दौरान चंदन राम दास ने कहा कि परिवहन निगम की व्यवस्था में सुधार के लिए कई कदम उठाए जा रहे हैं, जिससे आने वाले दिनों में कई बड़े बदलाव भी देखने को मिलेंगे। बीच में टायरों की कमी के कारण लंबी दूरी की सेवाएं बंद थी, मैंने तत्काल इसका संज्ञान लिया और सभी टायरों का प्रबंध कर दिया गया है और अभी सभी बसें संचालन में आ गई हैं और आने वाले समय में, चूँकि परिवहन विभाग और रोडवेज मेरे पास है, मैं 150 इलेक्ट्रिकल वाहन खरीद रहा हूँ, 30 CNG के वाहन खरीद रहा हूँ और 30 साधारण वाहन खरीद रहा हूँ। चूँकि अभी 200 वाहनों की व्यवस्था हमने दिल्ली को करनी है, 300 करोड़ रुपया मुझे ADP द्वारा मिल रहा है, अभी हमने इस बीच रोडवेज की स्थिति को सुधारने में पूरा अपना काम किया है। और उधर उत्तराखंड में मौसम का मिजाज बदल चुका है। एक बार पिथौरागढ़ जिले की दारमा घाटी में चीन सीमा क्षेत्र में बर्फबारी हुई, तो वहीं हेमकुंड साहिब की अगर बात करें तो वहां भी बर्फबारी हुई है। हेमकुंड साहिब में करीब 2 इंच तक बर्फ गिरी है। देखिए तस्वीरें, कितनी खूबसूरत तस्वीर आप देख पा रहे हैं इस वक्त। हेमकुंड साहिब और दारमा घाटी की बात की जाए, दोनों ही जगहों पर जमकर बर्फबारी हुई है। पिथौरागढ़ की तस्वीर एक तरफ आप देख रहे हैं, दूसरी तरफ जोशीमठ की तस्वीर आप देख रहे हैं, दोनों ही जगहों पर अच्छी खासी बर्फबारी हुई है। हेमकुंड साहिब की अगर बात करें, करीब 2 इंच तक यहां पर बर्फबारी हुई है। दारमा घाटी में भी जमकर बर्फ गिरी है और इस वक्त मौसम काफी सुहाना हो चुका है पहाड़ों पर। इस बर्फबारी की वजह से बेहद खूबसूरत नज़ारा जो कि आप भी अपनी TV स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो पहाड़ पर मौसम का मिजाज बदल चुका है, मानसून के जाते जाते इस तरीके की तस्वीरें बहुत ही खास है पर्यटकों के लिए भी, क्योंकि इस वक्त बर्फबारी का जो लोग इंतजार करते हैं उनके लिए यह अच्छी खबर है। पिथौरागढ़, जोशीमठ, दो तस्वीरें लगातार आपकी TV स्क्रीन पर, दोनों ही जगहों पर जमकर बर्फबारी हुई है। आसमान बिल्कुल साफ हो चुका है और 2 इंच तक बताया जा रहा है कि बर्फ की मोटी चादर जमी हुई है। और इन्हीं तमाम खबरों के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए ABP गंगा के साथ। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।